अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर तक आप लोगों ने हमारे चैनल को क्योंकि इतना को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो व्यूवर्स, चलते अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज जो हम आपको बनाना सिखा रहे हैं वो है शाही चिकन पुलाव। और शाही देगी चिकन पुलाव किस तरह बनेगा, इसके मज़ेदार से चिकन की रेसिपी क्या है और कौन कौन से अज़ा हमें दरकार होंगे, ये जानते हैं मम्मा से। जी मम्मा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 1 किलो चिकन ले लिया है, ये थोड़ी सी इमली है, ये 3 हरी मिर्चें हैं, ये थोड़ा सा अदरक मैंने बारीक बारीक काट लिया, ये 3 टमाटर है, ये अदरक लहसुन का भी पेस्ट है, ठीक है। अच्छा, ये तेज़ पत्तर है, ये साबुत काली मिर्च है डाली हुई मैंने, 2 चम्मच मैंने दादरी मिर्च के लिए हैं, 2 चम्मच मैंने नमक के लिए हैं, 1/2 चम्मच मैंने पीसी हुई मिर्च का लिया है काली का, 1 चम्मच मैंने जीरे का लिया। और यहाँ पर चावल जो हमने भिगो दिए। हाँ जी, 1 किलो ही चावल है। ठीक है, तो 1 kg चिकन है, 1 kg ही चावल है, जितना चिकन लिया उतने ही हम लोगों ने चावल लिए हैं। हाँ जी। तो अब इस ऐसे भी कुछ प्याज मैंने ना ब्राउन होने रख दिए। ठीक है, प्याज हमने ब्राउन होने के लिए रख दिए, तो प्याजों को हम लोग करते हैं ब्राउन और फिर आपको दोबारा दिखाते। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारी वीडियो को पूरा देख रहे हैं मज़ेदार से जो उनका शाही देगी चिकन पुलाव वो कैसे तैयार हो। यहाँ पर प्याज ब्राउन हो रहे हैं, इनको ब्राउन करने के बाद आपको दिखाते हैं कि मज़ेदार से जो उनसे पुलाव की रेसिपी है वो कैसे तैयार हो। ये तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि प्याज जो से हैं वो लाइट गोल्डन हो चुके हैं। तो अब हम इसके अंदर जो सा है वो चिकन ऐड करेंगे। ये मैंने सारे मसाले डाल दिए। और चिकन भी डाल देंगे हम लोग। हाँ जी, आप बनाए इंशाल्लाह बहुत मज़े का बनेगा। अब ये मसाले भी मैंने साथ ही डाल दिए। अब मैं अच्छी तरह ना हल दूंगी इसे। दस 15 मिनट भूनना है इसे। हाँ जी, ये देखिए माशाल्लाह भूना गया और मुर्गे का ना रंग भी बदल गया, बोटियों का ब्राउन ब्राउन हो गई है, ये अच्छी तरह ना भून लिया। अब मैंने इसमें ना ये इमली भी डाल दी है, ठीक है। इसमें मैं ना चावलों के साथ से पानी डाल दिया, ठीक है। अब ना पानी को ना अच्छी तरह पकाएंगे, जोश आ जाए, थोड़ा सा गोश भी डाल दें। ये मैंने ना चावल डाल दिए, अब दम लगा देंगे, पक जाए ना, थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाएगा इसका। हाँ जी, अब ना मैं दम पे रखने लगी हूँ इसे 10 मिनट के लिए। ये देखिए पानी खुश्क हो गया। ये देखिए माशाल्लाह केला केला दाना, और देखिए माशाल्लाह, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो भी बस माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो उनसे आज की रेसिपी है शाही देगी मुर्ग पुलाव वो तैयार हो गया। तो चावल आप लोग देख सकते हैं खिला खिला दाना है, और जो चिकन है वो भी गल चुका है और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। तो भी बस उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी आज की रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक दें, और अगर तो आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को क्योंकि विदनांद को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह के मज़ीद प्रोडक्शन टाइम भी मिलते रहें। तो भी बस देते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआ गो में दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।